नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं अमित भोबिया। अयोध्या, राम जन्मभूमि, वो भूमि जो आज़ाद भारत में पिछले 70 साल में विवाद का केंद्र बनी हुई है, वो भूमि जो इस देश के सबसे पुराने केस से जुड़ी हुई है। अब इस अयोध्या में कुछ वैसा ही दिख रहा है जो 370 हटने से पहले कश्मीर में दिखना शुरू हुआ था। वैसे ही जवानों की तैनाती, वैसे ही धारा 144 लगाना, और इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि अयोध्या में भी कुछ बड़ा होने वाला है, वैसे ही जैसे कश्मीर में हुआ था, अचानक से 370 को हटा दिया गया। तो अब बात ये उठ रही है कि क्या अचानक से अयोध्या में राम मंदिर बना दिया जाएगा, क्योंकि राम मंदिर बनाम बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्दी आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में आज से यानी सोमवार से अयोध्या केस की आखिरी दौर की सुनवाई शुरू हो गई है। अब तक कुल 37 दिनों की बहस हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष की दलील का आज आखिरी दिन है। इसके बाद दो दिन 15 और 16 अक्टूबर को हिंदू पक्ष अपनी दलील रखेगा। 17 अक्टूबर को बहस की समय सीमा पूरी हो जाएगी, ऐसा चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का मानना है, क्योंकि उन्होंने ही बहस को पूरा करने के लिए अंतिम तारीख 17 अक्टूबर रखी थी। और इसके बाद मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस जी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस ए नाजीर अयोध्या मामले में फैसला सुनाएंगे। ये फैसला 17 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच कभी भी आ सकता है, क्योंकि 17 नवंबर को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर हो जाएंगे। अगर 17 नवंबर तक फैसला नहीं आया तो फिर से सुनवाई होगी, नई बेंच बनेगी, नए जज आएंगे और ये केस ऐसे ही लटकता रहेगा जैसे पिछले 70 साल में लटकता रहा है। दरअसल दोस्तों, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अयोध्या मामले को लेकर काफ़ी सख्त रुख अपनाया हुआ है। उन्होंने 6 अगस्त के बाद लगातार सुनवाई जारी रखी है और साफ कहा है कि 17 अक्टूबर तक बहस पूरी करो, उसके बाद 17 नवंबर से पहले पहले कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। मुस्लिम पक्ष के वकील सुनवाई को आगे बढ़ाने की कई बार बात कह चुके हैं, तो कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि 17 अक्टूबर अंतिम तारीख है बहस पूरी करने की। तो दोस्तों, अयोध्या के डीएम अनुज कुमार जहां ने जिले में धारा 144 लगाने की जानकारी देते हुए कहा कि ये फैसला राम जन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के आखिरी दौर में पहुंचने के मद्देनज़र लिया गया है। डीएम ने कहा कि अगले महीने इस विवाद में फैसला आने की उम्मीद है, इसीलिए शांति बनाए रखने के लिहाज से जिले में धारा 144 लागू की गई है। तो दोस्तों, इस बार दीपावली पर भी अयोध्या में खास धूमधाम रहेगी, धूमधाम से दिवाली मनाई जाएगी और वहाँ धीरे धीरे जिस रफ्तार से सरकार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा रही है, उस हिसाब से हमें लगता है कि बहुत ही जल्द अयोध्या में कुछ बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, फैसला राम मंदिर के हक में आएगा या फिर बाबरी मस्जिद के हक में? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।